What's up guys, welcome back to another gameplay video. So guys, हम बात करने वाले पोकेमोन एजुए को। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि लास्ट एपिसोड में हम लोग गए थे सरुलियन सिटी और साथ ही साथ हमने कुछ और भी किया था, तो जाके देख लेना पिछला एपिसोड। फिलहाल तो आज हम लोग बढ़ेंगे आगे। वैसे मैं अपने पोकेमोन देख लूँ क्या हो चल रहा है। सब सही है, मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी की है, सब अब 40 के ऊपर हो गए। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं विरेडियन सिटी, क्योंकि हमें चाहिए ना बैज, फाइनल बैज। इसीलिए यार इधर तो कितनी सारी हमारी यादें थी यार, मेरे को तो अब थोड़ा बहुत याद भी नहीं आ रहा सही में, क्योंकि बहुत पहले खेला था यार ये सब। मतलब नवंबर में शायद खेला था और अब तो मई आ गया। और ये रहा प्यूटर सिटी, पर हमें प्यूटर सिटी नहीं जाना, हमें विरेडियन सिटी जाना है। ओ इधर से आई गेस शॉर्टकट है, तो चलते हैं काट के पेड़ को। और ये क्या है, इट्स ए रॉकी सरफेस। हम लोग कैसे जाएंगे, ये अब तक हमें ये नहीं बताया गया है। पर चलो छोड़ो, ऐसे ही चलते हैं अभी। और तुम लोग ने अगर कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ा होगा तो जाके पढ़ लेना। पता नहीं यार मेरा क्यों सोचा, पर हाँ बन के हो जाए ना तो एक बार थोड़ा दिल को राहत मिल जाए। थोड़ा अगर मेरा YouTube से थोड़ी बहुत इनकम भी आने लगे ना तो वो भी सही रहे, तब मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूँगा। तो उससे मेरे पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे ज़्यादा कुछ वीडियोस बनाने में। तो इसीलिए यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपना। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, जितना लाइक करोगे तो उतना लोगों के पास पहुँचेंगे वीडियोस। तो करो लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना सब्सक्राइब। और हाँ मैं 1K पे फेस रिवील करने वाला हूँ, तो ये सब्सक्राइब कर लो, 1K पे हो जाएगा फेस रिवील। इतना जल्दी मतलब कौन ही किया होगा ना फेस रिवील, पर मैं करूँगा भाई, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। ठीक है चलो, अब जिम था कहाँ वैसे, अरे मैं फिर अंदर क्यों जा रहा हूँ। जिम आई गेस राइट साइड में ही था ना। कहाँ गया जिम, अरे भाई जिम कहाँ गायब हो गया। इधर ही था ना जिम, अच्छा इधर आ गया क्या। ओ इधर इस बार ये लोग खड़े, मुझे तो याद भी नहीं इधर क्या हुआ था भाई, सही में बहुत पहले खेला था। चलो अब चलते हम लोग इधर। और ये ऑफिसर जैनिंग क्या कर रही है। देर हैव बीन रिपोर्ट डैट डन नेफेरियस पोकेमोन थीव्स नोन एज टीम रॉकेट आर इन द एरिया, इफ यू रन इनटू देम कॉल मी राइट अवे, माय नेम इज़ ऑफिसर जैनी। अरे ये तो सबको ही पता है तुम्हारा नाम क्या है। फिलहाल तो चलो चलते हैं अंदर। ये क्या हो गया, ओ गैरी आ रहे हैं। हाँ गैरी जाता था बैटल करने। स्टिल प्लेइंग विथ योर क्यूट लिटिल पोके पैल्स ऐश, ये पोके पैल्स बोले, मेरे को पैल वर्ल्ड की याद आई। मतलब मैं वीडियोस देखा हूँ। आई थॉट यू फाइनली गेव अप कैचिंग एंड ट्रेनिंग पोकेमोन, आई फिगर्ड यू वेंट बैक टू पैलेट, बट नो हियर यू आर स्टिल एट इट। आई जस्ट स्टॉप्ड बाय ऑन माय वे बैक टू पैलेट टू सी इफ द लीडर ऑफ दिस जिम वॉन्ट्स टू बैटल अ रियल पोकेमोन ट्रेनर। आई एम गैरी ओ फ्रॉम पैलेट, पैलेट टाउन क्यों नहीं बोल रहा बार बार, पैलेट पैलेट कर रहा है। आई हियर बाय रिक्वेस्ट अ बैटल विथ द लीडर ऑफ दिस जिम। ओके गैरी तो अकेला ही चला गया, ओनली वन ट्रेनर अलाउड इन जिम एट अ टाइम किड। भाई बच्चा बोल दिया तेरी ऐसी तैसी, ये भी वही चीज़ बोल रहा है। अरे मुझे जाने दो यार, अब क्या करूँ मैं। ओ ये क्या हो गया, द बैटल्स ओवर नाउ यू कैन एंटर। हाँ इसमें पता है बेसिकली क्या हुआ रहता है कि म्यूटू जियोवानी के पास रहता था तब, तो गैरी की तो फाट लगा दिया था पूरी, अब गैरी भी होश ही हो गया। इट्स गैरी, इट्स हियर अ पोकेमोन दैट वी आर नेवर सीन, डिड ही दिस, there's something different about this one, this pokemon's not just powerful, it's evil,
वन थिंग्स फॉर श्योर, नो वन विल एवर बीट डैट पोकेमॉन। वैसे रेड ने हराया था, हराया क्या, पकड़ लिया था। हाँ, भाई कौन हंसा, टीम रॉकेट। टुडे समथिंग हैज हैपन डैट विल मेक यू वेरी जेलस। वी जस्ट गॉट अ बिग प्रमोशन, नाउ वी आर गोइंग टू गेट द रिस्पेक्ट वी डिजर्व, बिकॉज द न्यू लीडर्स ऑफ दिस जिम आर द थ्री ऑफ अस। जस्ट मोमेंट्स अगो वी वर पुट इन चार्ज ऑफ दिस जिम एंड द अर्थ बैज। इफ यू वॉन्ट इट यू विल हैव टू डिफीट अस। अरे अपने आप ही चला गया ऐश, रुक जा भाई। लेट्स सी जस्ट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर लिटिल बॉय, लेट्स गो। हाँ इनके पास पोकेमॉन दे देता है जियोवानी। वैसे जियोवानी के पास ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होने चाहिए, पर ये इन्हें कोई दूसरे ही टाइप के पोकेमॉन देता है। मचैम्प आ रहा है, मैंने कौन सा पोकेमॉन, ओ पिजियोटो। यार सही है, पोकेमॉन आगे रखा भाई। विंग अटैक से भाई मचैम्प बहुत ताकतवर, भाई 50 लेवल है उसका। डूड मैं कैसे हराऊंगा उसे यार, मेरा मेन पोकेमॉन 50 लेवल का है बस। चलो उसके तो अटैक मिस हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो एक अटैक बस, पोशन ये लोग यूज़ ना करें, क्रॉस चॉप से बहुत असर होगा। प्लीज़ बच गए, अब ये गया मचैम्प। अगर इसका मिस नहीं होता ना अटैक, तो ये आराम से हमें हरा सकता था, पर पिजियोटो ने कमाल कर दिया और मेरे को लगा हो जाएगा लेवल 41। राइड ऑन कौन सा था, वाटर टाइप ज़्यादा सही रहेगा, स्क्वाडल जाओ। चलो हमारे पास अच्छे खासे पोकेमॉन टाइप के हिसाब से, अरे यार क्या बोल रहा, टाइप के हिसाब से। बबल बीम, आई गेस दो बबल बीम में हारेगा ये राइडॉन। हाँ अगर देखा जाए जियोवानी का मेन पोकेमॉन राइडॉन ही रहता है। टेक डाउन कर रहा है, अरे यार इन ये पोकेमॉन्स काफ़ी ताकतवर है, मतलब मेरे पोकेमॉन्स की आधी आधी हेल्थ खा जा रहे हैं, पर तब भी हमारे पोकेमॉन बहुत ताकतवर हैं। देख रहे हो छोटे छोटे पोकेमॉन एक बड़े बड़े पोकेमॉन्स को हरा दे रहे, हमारे पोकेमॉन्स की अलग ही बात है। अब कौन आ रहा है, किंगलर। किंगलर के लिए कौन सा करूँ, चलो बल्बसौर चुनते। पिकाचू हरा सकता है, पर मैं पता नहीं क्यों बल्बसौर यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ बल्बसौर ने एक नया अटैक सीखा है, जो कि है सीड बॉम्ब, काफ़ी अच्छा अटैक है। गिलोटीन, ये कौन सा अटैक है, इट्स अ वन हिट के ओ, ये कौन सा अटैक था भाई। प्लीज़ पिकाचू तू किंगलर से फास्ट रहना, नहीं तो ये फिर से एक ही अटैक में हमें पीट देगा भाई। हरा दे यार, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा भाई। कितना ताकतवर अटैक किया था गिलोटीन नाम का कुछ। चलो हमारे पिकाचू ने हरा तो दिया, पर यार हम भी अपने किंगलर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हाँ मैं तो अपना किंगलर भूल ही गया, मेरे पास अभी तो क्रैबी है, पर उसको इवॉल्व करेंगे। चलो तुम्हें हरा दिया ना, चलो निकलो। नाउ यू हैव टू फेस टीम रॉकेट्स पोकेमॉन, ऑल पोकेमॉन अटैक एट वंस। भाई सब पोकेमॉन आ गए और मेरा पिजियोटो ही आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग पहले पोकेमॉन अपना विट्रीबेल निकालते हैं। नोइस मतलब, वैसे देखा जाए पिजियोटो की हेल्थ कम है, पर लेट्स सी थोड़ा तो डैमेज देगा ही, या पूरा भी हरा सकता है। स्वीट सेंट तू करता रह जा, और मेरा पिजियोटो तेरे को हरा देगा। एक और विंग अटैक, और दो चाहिए और अबे यार तू स्वीट सेंट ही कर, और कोई अटैक ही नहीं आता इस बंदे को, मतलब पोकेमॉन को। चलो हमारा आठवां जिम बैच तो हमें मिलने ही वाला है, ये छोटे छोटे टीम रॉकेट के बंदे को तो हम लोग हरा ही देते हैं तुरंत ही। अब बाकी के पोकेमॉन को अपना पिकाचू संभाल लेगा।
अपना पिकाचू किसी से कम है क्या? सबको एक एक अटैक में मारेगा। वैसे ही मैंने देखा विक्टर पेल का लेवल 45 था शायद, इनका तो 45 ही है। पिकाचू सबको हरा देगा यार, पिकाचू का लेवल 50 है बॉयज, पता नहीं कैसे हो गया पर हो गया। अभी चायजार्ड का भी काफ़ी लेवल होता पर वो सुनता ही नहीं बात, तो क्या ही कर सकते। आरबॉक को भी हरा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चल पिकाचू एक और थंडर बोल्ट। यार मैं थंडर ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता क्योंकि वो बहुत मिस होता है, पर क्या अगर मान लो कोई अटैक सीखेगा पिकाचू तो मैं हटा दूंगा थंडर की नहीं, तुम लोग बताना। अरे मैं बदल क्यों रहा हूँ पोकेमोन, अपना पिकाचू हरा सकता है सबको। लिकिटंग में शायद टाइम लगे। और हाँ हमारे पिकाचू ने डबल एज भी सीखा है, 50 लेवल पे ही सीखा है जो कि काफ़ी सही है। ओ भाई पहली बार लिकिटंग को इसने एक बार में हराया, नहीं तो लिकिटंग को हराने में थोड़ा टाइम लगता था। नाइस यार पिकाचू, तू अब हमारा बेस्ट पोकेमोन बन गया, बेस्ट से भी एवरेस्ट। अरे भाई तू इवॉल्व क्यों हो रहा है? मत हो यार, तेरे को करेंगे यार इवॉल्व, टाइम लगेगा। पर गलती से इवॉल्व मत होना, नहीं तो मेरा वीडियो पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। आई डोंट केयर इफ इट्स चीटिंग, वी आर चीटर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेट ऑफ आर सीक्रेट वेपन एंड ब्लो अवे द कंपटीशन। जेम्स डोंट टेल मी यू सेट द बॉम्ब टू गो ऑफ ऑन आर साइड ऑफ द जिम। लुक्स लाइक टीम रॉकेट्स ब्लास्टिंग ऑफ अगेन। ओ भाई ये क्या अर्थ बैच मिल गया क्या? ओ भाई उन लोग उड़ गए हवे में, अर्थ बैच मिल गया फाइनली। हमारे पास ऑटो जिम बैच आ गए। वैसे ये क्या है? अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या मिल गया हमें? टीम 76 अर्थक्विक। डैम भाई हमारा कौन सा पोकेमोन सीख सकता है अर्थक्विक? भाई अर्थक्विक तो बहुत सही चीज़ है। और इधर क्या है? वैसे कुछ भी नहीं है। अर्थक्विक मिल गया बॉयज, अर्थक्विक तो बहुत सही है। अरे हाँ टीएम तो मिलते ही रहते हैं हर जगह, तो वही होगा। और गैरी तू अभी भी इधर क्या कर रहा है? द बिल्डिंग कोलैप्सिंग, लेट्स रन फॉर इट। ओके चलो चलते हैं। पर इधर क्या नाम लिखा है? ग्रेडियन पोकेमोन जिम लीडर जियोवानी, विनिंग ट्रेनर एश। ओके चलो। और हमारी शायद आगे म्यूटू से भी हो सकता है पंगा। द विरेडियन जिम इज कोलैप्सिंग। ओ भाई उड़ ही गया पूरा, गायब ही हो गया। इधर एक और पॉकीबॉल है, देखते हैं उसमें भी क्या है। ग्रेड बॉल, पॉकीबॉल के अंदर ग्रेड बॉल। और अभी अभी इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। विरेडियन सिटी पोकेमोन जिम, कहाँ भाई कहाँ जिम है, दिख ही नहीं रहा। कोई भी आएगा पढ़ेगा इसे, बोलेगा भाई कहाँ है जिम, दिखे तो आसमान खा गई कि जमीन निकल गया। सही सीन था। चलो यार पोकेमोन को हील करते। और आई गेस आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी पर अच्छा वीडियो था, क्योंकि आज हम लोग आखिरी जिम बैच जीत गए, उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है ना। तो मज़ा आया काफ़ी, आई होप अब तुम लोग को भी मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया तो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे ऐसी कमाल की अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।